हमारे शरीर में फेफड़े ही वो पार्ट हैं जिसकी वजह से शरीर के एक एक अंग को ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचती है, यानी कि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन लंग्स यानी कि फेफड़ों से ही आता है। अब आप फेफड़ों का काम तो समझ ही गए हैं, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे, यानी कि पृथ्वी को एक्चुअली ऑक्सीजन कहाँ से सबसे ज़्यादा मिलती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेज़ॉन के जंगलों को, जो कि दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट माने जाते हैं, जहां से पृथ्वी को 20% यानी कि 20% ऑक्सीजन मिलता है। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, और उनमें से कुछ ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स हैं जो कि दिल और दिमाग दोनों हिला देती हैं। कुछ ऐसी ही वीडियो उज्जैन से सामने आ रही है। कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ गई है, और उसकी वजह से एम्बुलेंस से लेके ऑक्सीजन के सिलेंडर तक की कमी हो गई है। अब सिस्टम पूरी तरह से लाचार हो चुका है, लेकिन उज्जैन के इब्राहिम ने सिस्टम की लाचारी का रोना ना रोके अपने आप पे विश्वास रखा और अपनी पत्नी की जान बचाई। कैसे, मैं आपको बताता हूं। उसने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने ही ठेले को एम्बुलेंस बनाया, उस पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया और अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, और इस तरह से अपनी पत्नी की जान बचाई। इब्राहिम का यह कहना है कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते। गाइस, इस इंसिडेंट के बारे में आपका क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज की जब भी बात आती है तो ज्यादातर हम लोग एप्पल, सैमसंग, शियोमी इन्हीं सब कंपनीज की बात करते हैं, जो कि इंडियन कंपनीज नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक इंडियन ब्रांड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इन विदेशी कंपनियों को टक्कर भी दे रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरी ही दुनिया में एप्पल, हुआई, शियोमी और सैमसंग के बाद ये इंडियन ब्रांड पांचवा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्रांड बन चुका है। इस ब्रांड का नाम है बोट। जी हाँ गाइज, बोट एक इंडियन ब्रांड है जिसे समीर मेहता और अमन गुप्ता ने 2015 में मार्केट में उतारा था। गाइज, आपको ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और क्या आपको भी अभी एज एन इंडियन प्राउड फील हो रहा है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। कोरोना का डर आजकल इतना हो गया है कि आज किसी को नॉर्मल जुखाम, कफ या वायरल इन्फेक्शन है तो उसे ये डर लगने लगता है कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं है। देखिए, डर लगना भी चाहिए और इसकी जांच भी आपको करवानी चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हर नॉर्मल जुखाम, कफ या वायरल इन्फेक्शन कोरोना नहीं होता। और अगर आप इसे घर पे ही ठीक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक सिंपल सी घरेलू हेल्थ टिप देता हूं। आपको बनानी है चाय, और वो भी दालचीनी और अदरक को यूज करते हुए अच्छे से उकाल के अगर आप हर दिन एक प्याला चाय पीते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और अगर आपको नॉर्मल जुखाम है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और कफ भी दूर हो जाएगा। गाइस, क्या आप लोग स्क्रीन पे दिख रही इस कार कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं? आप में से अधिकतर लोग इसे BMW ही पढ़ेंगे। इनफैक्ट एक सर्वे के अनुसार 95% तक लोग इसे BMW ही पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली इसे BMW नहीं पढ़ा जाता, इसका सही उच्चारण है BMW। अब ये कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ये कार एक 3-letter word से बनी है, और इंग्लिश में अक्सर इसे BMW पढ़ दिया जाता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये कार कंपनी जर्मन है, और जर्मन ब्रांड के लिए इंग्लिश वैलिड नहीं है, और जर्मन लैंग्वेज में इसे BMW नहीं बल्कि BMW पढ़ा जाता है। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।